तुर्तकिन भाई, क्या बात है, अखियों से अखियां लड़ा रहे हो। आमीन, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या बात है, माशाल्लाह। हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज परम, आई एम मंजू, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो मच अगेन फॉर बर्थडे विशेस। आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, आज की वीडियोस पे भी आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच। ये लास्ट वीडियो आज का सेकेंड एपिसोड है इर्तुल का। सो दिस इज डरली से इर्तुल सीजन 2 एपिसोड नंबर 6। सो वी आर वेरी एक्साइटेड एज ऑलवेज। एंड आज के एपिसोड में जैसे कि पता चलेगा कि इर्तुल के पास वो चाकू है, वो रस्सी काट रहे हैं, एक हाथ में उनके कील ठोकी हुई है ये मंगोलुओं ने, है ना। तो अभी देखना है कि क्या होगा आगे, नोयान कुछ कर पाएगा कि नहीं, इर्तुल वहाँ से निकलेंगे कि नहीं। सो वी आर वेरी एक्साइटेड कब इर्तुल वहाँ से निकलेंगे, है ना, कब कामयाब होंगे वहाँ से निकलने, या फिर उनको बचाने आएंगे उनके बंदे, अपने तुर्गुत वगैरह बंदे अपने, है ना। यस, सो गाइस वी आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस। तो एंड आई होप आपको लास्ट एपिसोड की जो वॉइस क्वालिटी है वो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी है तो बताइएगा ज़रूर। एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे आईडी दी हुई है अगर आप नए हैं तो। एंड बाकी तो आपकी मर्जी है, अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है। सो गाइज, आई होप आप वो वीडियो देखते हो जब जो हम 7 बजे डालते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के लाइफ के ऊपर बेस है, लाइक वेस सीरीज़ है वो। सीरीज़ का नाम है मोहम्मद सबके लिए बाय रशीद मुफ्तही साहब। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वाक्या बताते हैं जो रियल में हुए थे। तो वी आर लाइक हम एवरीडे एक एक एपिसोड करते हैं। आज 10th एपिसोड किया था, आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत अच्छी सीरीज़ है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो भी आप देखिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं और एकदम डिटेल में बताते हैं, सो इट्स वेरी गुड। सो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर रिएक्शन वीडियो। इर्तुल वो रस्सी काट रहे, देखो एक नोयान शातिर है बहुत ही, बहुत। नोयान ने देखा क्या? अरे बाप रे, देख लिया नोयान ने। जंगजू तुम्हें जिंदा रखने पर मुझसे बहुत नाराज है।
दस इनको क्या मारने को मजा आता है क्या? सब बेरहम इंसान है। मंगोल के चुंगोल से कैसे छूटेंगे? उत्तरी ये कौन है भाई? मेरे को एक सेकंड के लिए लगा कि तुर्गुत है वो। अपना तुर्गुत तो एकदम कड़क है भाई। वो देखो पीछे से आ रहा, जब आता है ना चलता है तो मतलब अलग ही लगता है अपना तुर्गुत तो। ये लोग तो देखो निठल ले गई के। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई अभी बहुत। ये देख उसको नहीं भेजा। हलीमा सुल्तान दुआ कर रही है। यार एर्तुरुल तुर्गुत के जैसे नहीं क्या उनका ही बंदा बन के फिर वहां से निकल सकते अगर वो चाहे तो, है ना? ये देखो ये मंगोल, इसको पकड़ लेना चाहिए कसम से तब मजा आए। चारों जन जा रहे ना? चारों जन। हमजा और अब्दुल रहमान है और उधर से उसके दो बंदे। भाई साहब
तुतुरकिन अरे यार नहीं रुक जाओ, मैडम जी भड़काएंगे अभी। दो ही बातें परेशान कर सकती हैं, या किसी नाकाबिले शिकार दुश्मन का टकराना, या फिर किसी खूबसूरत लड़की का ख्यालों में आ जाना। तुर्तकिन है, तुर्तकिन। ठंडा पड़ गया इनका डीजे। दस मज्जा दे सर रखे हुए हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अरे यार मैं तो देख ही नहीं सकता। दमीर साहब
पहगाम लाई है। सही है। क्या मुझे यहाँ ये दिखाने के लिए लाया है? मुझे यकीन है कि जब आप इस आग को यूं ठंडा देखेंगे और अपने औजारों को यूं जंगालों देखेंगे तो आपका दिल खुद ब खुद इस जाने मायल हो जाएगा। हमें आपकी जरूरत है दमीर भाई, न सिर्फ इसलिए कि आप बेहतरीन कारीगर हैं बल्कि एक बहादुर जंगजू भी हैं, बेखौफ लड़ने वाले और लश्कर की शान बढ़ाने वाले, जो मंगोलों को जान हम रसीद करते हैं। ऐसी शमशीर तैयार करनी है आपको। मैंने जंगजुओं के लिए हजारों तलवारें बनाए हैं मगर ज्यादा देर तक उनकी खुशी कायम नहीं रहती। उनके हाथों से तलवार और उनकी आंखों से रोशनी जाते देखी है मैंने। अरे दमीर भाई, पूरे टूट चुके हैं ना वो। उनके पहले भी उनकी बीवी, उनके बच्चे, एंड देन फिर एक ही थी अभी बाकी, वो भी चली गई आई गेस। ये क्या कर रहा है? अरे बाप, देख लिया, भाग रहे मंगोलू। मुझे लग रहा है इन दोनों को जाल में फंसा रहे हो। क्या बोलता घोड़ा कहा, एक नंबर तीर मारेंगे उसको लगता है। सही, एक नंबर। हमजा तगड़ा है। अरे भागते भागते डायरेक्ट तीर उसके छाती में घुसा दिया। मरा नहीं है वो, है ना? हम जानते हैं कि हमारे हर कदम पर उनकी नजर है। हम इस सूरत हाल का फायदा उठाना चाहते हैं। हम लोगों ने अपने बाहर जंगजुओं को चारों तरफ तैनात कर दिया है, उन पर घात लगाए बैठे हैं। यकीन है कि कोई ना कोई जरूर पकड़ा जाएगा। तो नोयान को दूर दराज जाकर तलाश करने की बजाय उसे कबीले के इर्द गिर्द ढूंढ रहे हो?
गुपचे आ गई। उसको भी शक हो गया मुझे लग रहा गुंतोगतू को। दुआन तुर्गुत दिली दमीर साहब कितना दुख है ना उनको। हमजा है शायद है ना? नहीं अच्छा हाँ है हमजा है ना? हाँ अब्दुल रहमान। हाँ कि उनकी कोई चाल तो नहीं है क्या बोलते हैं? हो सकता है।
बोले कल अपने पड़ाव से बाहर निकलेगा। अर्थरुल अभी तक ट्राई कर रहे अपना हाथ निकालने का। मुझे लग रहा दारू वीरू पी रहे हैं लोग मंगोलो। ये देखो नशेड़ी है एक नंबर के। भाई निकाल लेना है तो निकल गए तो क्या होगा इनका, वही सोच के। अच्छा आज निकलने वाले ना सब साथ में मिलके वो नोयान के नोयान को पकड़ने के लिए। अरे बाप रे सब सोएले पी के लुढ़के हुए बियोड़े बच्चे मंगोलू मंगोल के चुंगोल से कब निकलेंगे अर्थरुल काशी। कुछ तो कांड करने वाला है नोयान, और ये वही बंदा था जो कबीले आया था। इनका जो बंदा कबीले में है ना तुरंत किनका बाया हाथ ताया हाथ। कोचामश हाँ कोचामश है उसका नाम कोचा पोचा पोचा वो पोचा। सब जा रहे मस्त अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। अल्लाह ने चाहा तो ये इंतकाम पूरा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाए भाई। अगर तुतक तूतिया तुर्तकिन भाई क्या बात है अखियों से अखियां लड़ा रहे हो। आमीन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर क्या बात है वाह।
माशाल्लाह। सबसे बेस्ट तो तुर्गुत की लड़ाई देखने वाली होगी, क्योंकि तुर्गुत एकदम गुस्से में है। जानवरों को कैसे काट काट के रखा है यार इन लोगों ने, बाप रे। एक तो हम वेजिटेरियन बंदे, कौन है वो 7 दिन को पिक? पता नहीं क्या निशान बनाए ना यहाँ पे एथरल के ऐसे, ये देख ये देख टोपी तो देख इसकी, ऐसे लग रहा है किसी कुत्ते के बाल लगाए हुए टोपी के ऊपर इसने। वो गोल्डन रिट्रीवर होता है ना वैसे बाल है इसके। एक नंबर ना ब्रो, यो। अरे भाई तुर्गुत देख, तुर्गुत भी है भाई, तुर्गुत तो फाड़ देगा, फाड़ चीर फाड़ करने वाला तुर्गुत, इतना गुस्से में वो, क्योंकि उसको इंतकाल लेना है, इंतकाम काम काम। हाथ से भी अभी तक वो हाथ में घुसी हुई है ना। भाई पकड़ लिया उसको, मार डाला ना भाई। अगर यहाँ से निकल गया तो कितना अच्छा होगा, क्या मालूम। अरे भाई उठ नहीं रहे, वो मरियल है, वो दारू पी के सोएले निकल गए। मैं कोई ये नहीं समझ रहा कि ऐसे कैसे क्या वो अकेले छोड़ के जा सकते हैं। वो टकलू कहाँ पे है? सात दिन को पैक को मिलने जा रहे हैं ना ये लोग। ये कौन है? अरे अर्थरुल ने इनके कपड़े पहन लिए। अरे भाई सच में भाग गए ये तो। देख
तो यहाँ पे मिल गए तो मजा आ जाएगा। भाग गए। अरे बाप, ओ देखो क्या ये झिंगा लाला हु क्या हुआ? सामने कौन है? कौन है? नोयान तो नहीं, वो टकलू खड़ा है। लेफ्ट साइड को जाओ ना। चढ़ा दो घोड़ा ये ते, ये टकले ते पंजे मारो घोड़े दे। यार पता नहीं अर्थरुल जिंदा बचेंगे भी, आई मीन उनको भी पकड़ेंगे कि नहीं पता नहीं। वो टकले की शेंडी उड़ रही है। शेंडी ये लोग सच में वहीं पे आ गए क्या? मतलब एर्थरुल को तो फिर भागना नहीं चाहिए था कि नहीं? अच्छा ये लोग उनके साथ मारामारी करेंगे है ना? ये लोग गुंडोगदू और तुतकिन के साथ करेंगे लड़ाई। खेमे तैयार कर रहे। गाइज यार प्लीज़ आप आगे का मत बताया करो, मतलब हमें ना जैसे कि आपने बताया कि एर्थरुल 9th एपिसोड में लाइक वापस आएंगे है ना अपने कबीले, तो हमारे दिमाग में अभी वही है कि यार अभी उनको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा वो सस्पेंस पूरा ख़राब हो जाता है। तो आप थोड़ा सा यार मत बताया करो यार आगे का, मज़ा फिर वो किरकिरा हो जाता है कि नहीं? सही बोल। वो फिर रियल रिएक्शन भी नहीं आता ना। exactly. आप मजे करो, क्या टेंशन लेते हो यार। तुर्तकिन है उसका नाम, तुर्तकिन। खेमे बन गए देख नए एकदम गोरे चिट्टे खेमे, वाइट कलर। ये इंतजार एर्थरुल का कर रही हैं।
ये देखो सलजान सलजान भाई भड़क जाएगी मुझे लग रहा है, जैसे देख रही थी सलजान बहुत डेंजर है नहीं लॉल LOL झाड़ने वाली एक तो है, चलो बढ़िया है अपने पास। सो गाइस ये था हमारा रिएक्शन ऑन ड्रिली सेरथ्रुल सीजन 2 एपिसोड नंबर 6। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था, बहुत मज़ा आया देख के, इतना ज़्यादा मज़ा आया कि क्या ही बोले, कब ख़त्म हो गया पूरा एपिसोड पता ही नहीं चला। और आगे का एपिसोड देखने के लिए मतलब दिल में खलबली चल रही है, बहुत ज़्यादा खलबली मच रही है, क्या ही बोले। बट अभी हम देखेंगे दूसरा एपिसोड भी, आज ही शूट करें क्योंकि भाई मैं तो रुक नहीं पा रहा हूँ, और ऊपर से आज हम थोड़ा जल्दी शूट करने के लिए बैठ गए थे तो आज ही हम 2 एपिसोड और शूट कर लेंगे, तो क्या थोड़ा सा भंडूल अपने पास बैकअप जमा हो जाएगा, तो अगले दिन का पूरा अपने पास पूरा जमा हो जाएगा ना, तो मज़ा, कोई टेंशन नहीं। और आगे का सीन देखने वाला है क्योंकि एर्थरुल भाग चुके हैं, एंड एर्थरुल भागने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे वो पता नहीं है। प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, हमें आगे का प्लीज़ मत बताइएगा, प्लीज़, ठीक है जी, प्लीज़ प्लीज़ मत बताना। yes. और हमज़ा सॉरी क्या नाम है इसका, गुंदोगदू और तुर्तुकिन जो है वो दोनों मिलके सारे मतलब स्टार्टिंग अपन स्टार्टिंग में जब अपन ने एर्थरुल स्टार्ट किया था तब अपन गुंदोगदू कारा तो अगर भी बोल नहीं पाते थे, है ना, कुछ भी बोलते थे सही में। तो हाँ जी, तो वही अभी देखना है कि उनके ऊपर भी मंगोल हमला करने वाले, तो अपने बंदे बड़े जमजू है, अपने तगड़े बंदे हैं, तो कितने भी मंगोल हो जाए कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो तुर्गुत भी अपना डोगान भी है तो टेंशन है ही। यस, एंड तुर्गुत को भी बहुत ये मतलब बहुत गुस्से में वो आई केस का बहुत ज़्यादा याद कर रहा था वो, एंड अब्दुल रहमान एंड हमजा दोनों जायजा लेने गए रस्ते का। जायजा जायजा इट्स हाँ मुआयना लेने, ठीक है जायजा, ठीक चले जायजा लेने गए थे वहाँ पे नोयान के इधर, एंड वो भी गए, अभी पता नहीं आगे नेक्स्ट एपिसोड में वो क्या होगा आगे, नो यान क्या करेंगे। एंड वो तुर्तुकिन भी डोरे डाल रहा है उसके उसके ऊपर, डोरे गोपचे डोरे डाल एंड
कहाँ से लेके आता ये वर्ल्ड भाई, कसम से। ठीक है, एंड गोकचे भी पता नहीं क्या बोलेगी, एंड अभी तक उसको पूछा नहीं है, एंड आगे वाला एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यस, एंड एर्ट्रुल भी जो मंगोलों के झांसे से भाग चुके हैं, अभी वो जा रहे थे लेकिन सामने से वो नोयान का जो स्पेशल बंदा है वो सामने से आ गया, एंड फिर एर्ट्रुल मतलब आगे से चले गए, उन्होंने रास्ता बदल लिया वहां से, एंड फिर देखते अभी एर्ट्रुल इसका ऐसे ही है, जब भी बोलती है ना देखते हैं एक तरीके हैं। कैमरे में दिखता नहीं वैसे, पूरी सब्जी बना देती है पूरी नीचे, मतलब ऐसे ऐसे सब्जी काटता है मैं तो फिर भी बनाती हूँ। चलो चलो बोलो बोलो। एंड फिर अभी देखने अलग सीन है कि एर्ट्रुल अभी क्या करेंगे, एंड नोयान की आगे की प्लानिंग क्या होंगे, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारे थोड़ा सा जो ये ओवर करते हैं हम थोड़ा बहुत कर ही देते हैं ना, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो पसंद आता है तो अप्रिशिएट कीजिए। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं तो पूरा एकदम सेल्समैन बन गया हूँ ना, एकदम ऐसा फटाफट नहीं बोलता हूँ। चलो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में।